सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DIY न्यूज। दोस्तों, सीरियल झनक के अंदर आ चुका है बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट, जहां पर अनिरुद्ध के ठीक होते ही यहां पर अनिरुद्ध और झनक शादी कर बॉस हाउस पहुंचने वाले हैं और इन्हें देखकर सभी घर वालों के उड़ने वाले हैं होश। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सीरियल झनक का आने वाला अपकमिंग ट्रैक बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहां पर आपको देखने को मिलने वाला है कि जब अनिरुद्ध बीमार था तो झनक ने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया था और अनिरुद्ध को यहां पर उसने सब कुछ बता दिया था कि वो अनिरुद्ध से प्यार करती है। लेकिन यहां पर अनिरुद्ध की हालत जो है उस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर अब अनिरुद्ध को होश आ चुका है और होश में आने के बाद यहाँ पर अनिरुद्ध सबसे पहले जो है झनक से ही मिलता है और अर्शी ने यहाँ पर झनक को जो धक्का दिया था उसके लिए वो यहाँ पर अर्शी से फाइट भी करता है और फाइनली यहाँ पर अनिरुद्ध भी जो है झनक को बता देता है कि वो उससे ही प्यार करता है। वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली की मजबूरी से जो है यहाँ पर अर्शी के साथ रह रहा था, लेकिन वो अर्शी से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ झनक से ही प्यार करता है। ये सब बातें जो है झनक को बता देता है और यहाँ पर अनिरुद्ध से फाइट करने के बाद अर्शी और सृष्टि जो है घर आ जाते हैं और घर पर आकर जो है अर्शी जो है बहुत ही बड़ा बवाल मचा देती है। सारे घर वालों को बता देती है कि अनिरुद्ध जो है सिर्फ और सिर्फ झनक से ही प्यार करता है, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं उसे डिवोर्स दे रही हूँ। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर कहानी में आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि सीधे यहाँ पर अनिरुद्ध और झनक सीधे मंदिर में जाकर शादी करने वाले हैं और शादी करने के बाद झनक को लेकर अनिरुद्ध जो है सीधा बॉस हाउस पहुंचने वाला है और यहाँ पर आदित्य कपूर भी मान लेता है कि झनक और अनिरुद्ध फाइनली एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए इन दोनों को एक हो जाना चाहिए और ये शादी कराने के अंदर आदित्य कपूर भी जो है इनकी पूरी तरह से मदद करता है। वेल दोस्तों, यहाँ पर अब शादी कर अनिरुद्ध और झनक जो है सीधे पहुंचने वाले हैं बॉस हाउस। आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या घर वालों का रिएक्शन होने वाला है? क्या यहाँ पर इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर कुछ और होगा? आपको क्या लगता है इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना और जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।